हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मंजीत। आप लोग कैसे हो? आज मैं फिर से आया नेस्कैफे के मशीन में। ये जो मशीन देख रहे हैं आप, ये नेस्कैफे की मशीन है, बट ये ओरिजिनल मशीन नहीं है। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल मिल जाती है और ज़्यादातर आप देखेंगे बाहर ही मशीन लगी होती है। तो आज हम बात करेंगे इसमें कि इसके जो मदरबोर्ड में कभी कभार प्रॉब्लम आती है, तब वो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए। मल्टीमीटर और इसमें जो होता है, कभी कई बार पावर डायरेक्ट होता है, कई बार डीवी डायरेक्ट हो जाती है, या फिर कई बार जैसे कि पानी नहीं आता, डीबी पानी नहीं आता, पाउडर नहीं आता, या फिर भी झाग नहीं बना रहा। तो उस चीज़ के लिए मैं आज बताऊंगा कि इसके मदरबोर्ड के कैसे मतलब रिपेयर करते हैं। इसके मदरबोर्ड आप मदरबोर्ड की इसके बारे में बताऊंगा, मदरबोर्ड कैसे रिपेयर करते हैं। तो कृपया आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको मदरबोर्ड खोलने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिले है, रिले क्या काम करता है, और ये जो कंपोनेंट लगे पड़े ये क्या काम करता है। इसके अंदर डायोड भी लगा है, डायोड क्या काम करता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या काम करता है। और ये अगर मोटर बंद हो जाती है किसी रीजन से, तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से वायर जाती है इसके, तो उस रिले को चेक करें। अभी तो फिलहाल मैं ये नहीं बताऊँगा, बट नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा आपको कि कौन सा रिले है। जैसे कोई मोटर ख़राब होती है तो कौन सा रिले चेंज करना पड़ेगा आपको, रिले चेंज करना पड़ेगा, या फिर ये रिले है। और भी बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, डायोड है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसमें सारी चीज़ें बता दूंगा एक एक करके। कृपया अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। ये जो पॉइंट है ये है 24 वोल्ट का, ये है 24 वोल्ट का, ये पॉजिटिव है, माइनस है, एक बार आप ठीक से देख लेंगे 24 वोल्ट का है। और ये जो है ये गियर बिपर और डीवी के लिए होता है ये, और ये भी। और ये है 12 वोल्ट का, ये है 12 वोल्ट का, क्योंकि ये जो साइनिंग देख रहे हैं आप यहाँ पे, अगर जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे वो होगा डीसी सप्लाई, यहाँ पे डीसी सप्लाई होता है इसका मतलब। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से कैमरा जूम कर तो। और ये है 12 वोल्ट, यहाँ 12 वोल्ट सप्लाई होता है जो मदरबोर्ड के एक्सेस लेता है, पीसी वगैरह जो इसका आईसी वगैरह वो। और ये जो है ये वाटर लेवल सेंसर है, ये आप देख सकते हैं, इससे वाटर लेवल सेंसर है। अब हम इसको ऑन करेंगे और इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें विदाउट हीटर चलाना है तो सिर्फ 24 वोल्ट से मशीन को ऑन करेंगे और 12 वोल्ट से, और इसको हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे तो मशीन ऑपरेट हो जाएगी। अभी हम दिखाते हैं आपको डेमो। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिख रहा है वाटर टैंक एम्प्टी, इसका मतलब कि जो हमारा जो वाटर है इसके अंदर वो सेंस नहीं कर रहा, मतलब पानी नहीं है, तो हीटर ऑपरेट नहीं होगा, यहाँ से ये चलेगी नहीं। तो इसको मैं ऑपरेट करने के लिए सेंसर शॉर्ट करूँगा यहाँ से, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा आता है। अब देखते रहिए मैं सेंसर कहाँ शॉर्ट करूँगा एक बार। ये जो है मैं ये सेंसर शॉर्ट करता हूँ, सेंसर सेट को शॉर्ट करूँगा ये वाला मैं। जैसे देखिए मैंने सेंसर शॉर्ट कर दिया है, अब देखते हैं डिस्प्ले पे क्या लिखा रहा है। अब डिस्प्ले पे लिखा रहा है सिलेक्ट योर चॉइस। अब हम इसमें बटन दबाएंगे, पहला कॉफ़ी का एक ड्रिंक दे रहा है, मतलब यहाँ से आउट हो रहा है। यहाँ से कट कट की आवाज़ आती है, वो रिले ऑपरेट होती है। और कृपया अगर आप सबसे पहले अगर ऐसा चेक करें तो ऐसे आप डीसी मोटर रख लीजिए, और डीसी जो मोटर होता है या फिर डीवी या फिर गियर मोटर, एक ऐसा आप रख लीजिए 24 वोल्ट का जो लिखा होता है, 24 या फिर 12। तो उससे भी मैं आपको चेक करवा कर चलाऊँगा कि किस बटन से क्या चल रहा है, इसे भी ऑपरेट होगा, दोनों ही ऑपरेट होगा। बस आप बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को।